Hello everyone, another Sunday, an actual sunny day or off day on top of that. तो आप सब के साथ हम आज का अपना ऑफ डे गुजारेंगे और प्लान ये बना है जी, हमारे एक दोस्त हैं जैन संधू साहब, काफ़ी अरसा हो गया उनके साथ कोई रब्ता नहीं, मुलाकात नहीं थी, तो अचानक उनकी कॉल आई और बस आउट ऑफ नो वेयर जो उनसे प्लान बन गया साउथ कीप्सलैंड विज़िट करने का। अब साउथ कीप्सलैंड के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये मेलबर्न के ईस्ट में है, साउथ ईस्ट साइड पे, और मेलबर्न के नॉर्दर्न सबर्ब से ये आलमोस्ट 1 आवर की ड्राइव है। लेकिन इसके बारे में, एक तो चॉकलेट फैक्ट्री बहुत फेमस है, दूसरा पेंगुइन्स, पेनिनसुला एक इलाका है, इनका एरिया है, वहाँ पे छोटे छोटे पेंगुइन्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर टाइमिंग है जब वो समुंदर से वापस उनकी परेड होती है, और एक मतलब बहुत प्यारा सा सीन क्रिएट होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारा पर्पज़ है आज जाने का, अब जो हमारे दोस्त हैं उनका प्लान है जी को डेयरी फार्म का, उनका पाकिस्तान का बैकग्राउंड है डेयरी फार्म के बिज़नेस से रिलेटेड, तो उसी के बारे में कुछ वो स्टडी करना चाह रहे हैं। तो अब हमें नियरेस्ट जोन सा डेयरी फार्म मिला है जो कि हमारे मतलब का नज़र आ रहा है तस्वीरों में जो ऑनलाइन देखा है, वो साउथ कीप्सलैंड में है। तो 1.5 आवर की ड्राइव है हमारे लिए, तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं। तो साथ साथ आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में डेयरी फार्म का बिज़नेस क्या है, कैसे स्टार्ट होता है। एक रफली एस्टीमेट है कि आलमोस्ट 30,000 डेयरी फार्म्स आर ऑपरेटिंग इन विक्टोरिया, जो के ऑपरेशन रन कर रहे हैं अपना, वो विक्टोरिया में आलमोस्ट 30,000 डेयरी फार्म्स हैं। तो उनमें से एक हम भी विज़िट करने जा रहे हैं, देखते हैं कि ये बिज़नेस क्या है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, और लेट्स गो जी। दोस्तों जैन भाई आ गए हैं और अभी आई है कॉल हमें जी, वो पीछे वेट कर रहे हैं। तो अब ड्राइव स्टार्ट कर रहे हैं जी हम मेलबर्न के नॉर्थ से, और देखते हैं रास्ते में क्या क्या एक्सपीरियंस होते हैं, आपके साथ शेयर करते जाएंगे। लेट्स गो। जी व्यूवर्स, हम पहुंच गए हैं जी, ये है कॉल्डर मेड फार्म एंड कैफे। अच्छा, पूरा हिसाब लाया है जी, इतने ले आनियाँ ने मजा। ब्रदर गेम बड़ी है, प्लीज डू नॉट बैंग और लीन ऑन ग्लास। ओके जनाब, ना अस लम्बे पहने ना मारने, क्या ही बात है जनाब, है पीछे छड़े ने इन्होंने डंगर डुंगर। हाँ जी ओके। ये व्यूवर्स, हम आए हैं जी इस कैटल फार्म पे, और यहाँ पे इन्होंने पब्लिक के लिए भी एक तरह का एक शो ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि ये दोपहर के 2 बजे, आज डेट है जी 3 फरवरी 2024, और इन्होंने बेसिकली एक पब्लिक के लिए एक तरह का इवेंट टाइप एक चीज़ है जो कि स्कूल हॉलीडेज में भी चलती है, और नॉर्मली सैटरडे संडे भी ये पब्लिक के लिए खोलते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक स्टेट ऑफ द आर्ट जोन सा है, एक सिस्टम लगाया हुआ है जहाँ पे दूध लेते हैं ये गाँव से, इन्हों की कही जाए चुवाई का एक टाइम होंगे, चुवाई का इतने भी एक टाइम होंगे जनाब, तो हाले टाइम हो रहा साढ़े को 2:45 चुवाई शुरू होनी है, जानवर आएंगे इतने डंगर आएंगे, तो सिस्टम मैं तुहानू कैमरा दिखाना वा। ये जी अभी हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ से ये दिखा रहा है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरी लगाई हुई है और नंबरिंग हुई हुई है ऊपर प्रॉपर,
यहाँ पे जानवर आएंगे, प्रॉपर उन्हें वॉश किया जाएगा और मशीन से ही जो मिल्क है वो सक किया जाएगा। तो एक बड़ा ज़बरदस्त सा सिस्टम है, तो देखते हैं जी क्या होता है। हम आए थे यहाँ पे बेसिकली इन्फॉर्मेशन लेने के लिए कि डेयरी फार्म की बिजनेस की इन्फो अगर हमें कुछ मिल सके, लेकिन यहाँ पे मेरा ख्याल है उस जैसा अभी कुछ सिस्टम नहीं है, बट जो भी है एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो होगा। की कह रहे हैं जनाब, कह रहे हैं हाउ टू स्टार्ट व्यूइंग रूम वीडियो, प्रेस पावर ऑन आइदर रिमोट और टीवी, प्रेस सोर्स यूजिंग द एरो सेलेक्ट मीडिया एंड प्रेस ओके यूजिंग द एरो सेलेक्ट मीडिया और प्लेस रिमोट बैक इनटू द ड्रॉ। अच्छा कोई वीडियो वीडियो भी चल दी जाए कितने भरा। ओके चलाइए फिर, पावर तो बाद देखिए थे की कहना सोर्स सोर्स करता फिर सोर्स तो बाद की प्रेस करना जे मीडिया करना जे ओके मूवीज़ पे की डीए ओके फोल्डर मीड है तो ब्रदर देसी अपना ही कोई हिसाब रखे है इन्होंने है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ओके ओके ओ आ रही है पूरा ही टब्बर आ रहा है ओ आ रही है जनाब ओ पूरी नया नहीं बनी है। हाँ ऐसा सेटअप ही गाजी बता रहे हो ऐसा ही सेटअप है। आ रही हैं जी गामा ये व्यूवर्स ये आ रही हैं जी सारी गायें लैंस और अपनी अपनी खुद ही एंटर होती जा रही हैं। क्या बात है यार क्या ही बात। अच्छा अगे इन्होंने चारा पाया है ओ तो विचो देखो ना घूम के डंडे आ वो डिग रहा है ओ मतलब वो वंडा आगे डिगन डया है ओके बाकी ना वो खाना बाहर ही है जड़ा वो वे थोड़ा बहुत जड़ा बाकी ते वंडा डिगन डया है इथे जड़ा ओ वंडा डिग रहा है जनाब। हां क्या बात है यार सारे ही अद्धे घंटे च सारे इन्होंने फ्री कर देने। अच्छा इधरों चवाई हो जाएगी उधरों बाहर जाई जाएंगे हैं उसके नंबर लिखे हैं 32 33 34 35 टिकर तो मैं भी देखे हैं। अच्छा अच्छा उधर दिशा वाला क्लीन है थोड़ा ओके ओके इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करो ब्रदर उन्होंने कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर लाया है यार मिलियन डॉलर प्लस की गेम है बट इंफ्रास्ट्रक्चर वर्थ इट भाई वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन इन्हें रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है ना फिर इलेक्ट्रिसिटी ये फिर उस तो बाद अपना कोई फॉल्ट फूल डाल दिया सोलर लगा है ओके अच्छा उधर बाहर जाई जान के उधर वेलो वो डंगर बाहर जाई जाने ओके ये
दोस्तों आए तो थे हम यहाँ पे डेयरी फार्म के बिजनेस के मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करने के मतलब पूछने के लिए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पता लगी है वो जस्ट जो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वही 1 मिलियन प्लस की गेम है, उससे नीचे का सर्वाइवल मुश्किल है। और एक मोर इंटरेस्टिंग बात ये पता लगी है यहाँ पे कि मोस्टली जो डेयरी फार्मर्स हैं, जो हमारी यहाँ पे गाइड थी उन्होंने बताया है कि मोस्ट ऑफ द डेयरी फार्मर्स दे डाइड इन देयर अर्ली एजेस जस्ट बिकॉज ऑफ डेट स्ट्रेस, कि वो डेट में होते हैं, डेट से बाहर निकल नहीं सक रहे हैं और स्ट्रेस ले लेके जो उनसे ना वो फिर अस्सलाम वालेकुम ऊपर से देखा है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब नीचे आए हैं तो इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ है जनाब, कि एक तरफ से गायें एंटर हो रही है और 50-50 गायें हैं, उनका नंबरिंग हुई हुई है और एक बंदा वहाँ पे खड़ा किया हुआ है जो उन्हें एक उनका वो स्पॉट जैसा बना हुआ है वहाँ लगाता है, उन्हें वॉश करता है और उसके बाद उनसे दूध लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये है जी, ये सिस्टम है। एक साइड से आ रही है गायें और उन्हें वॉश करते हैं, उनका जो है थान जो उनसे हैं जहाँ से उन्होंने दूध देना है उसके नीचे उन्होंने वो सक्शन मशीन टाइप कोई चीज़ लगाई हुई है। और यार मक्खियाँ क्यों हैं, और वो एक तरफ से एंटर हो रही हैं गायें और जिस जिससे वो दूध ले लिया वो दूसरे साइड से निकलती जा रही हैं, वो लाइन में खड़ी हुई हैं। वो जी वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए भी ऊपर कुछ लगाया हुआ है ताकि मौसम है गर्म तो थोड़ा सा पानी का छिड़काव ऊपर उतारे तो ये मज़ा जड़ियाँ ने बोंतर ना जान। इफ आई कैन शो यू ओहो हो, और क्या ज़बरदस्त सिस्टम है जी कि इतनी गायें अगर आप मैनुअली अगर लोग अगर इंसानों से अगर आप चुआने बैठें और दूध लेने बैठें तो फिर तो एटलीस्ट ये मान लें कि 8-10 घंटे में भी उससे ज़्यादा और 5-6 बंदे काम करें एट अ टाइम तो फिर काम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मशीनरी ऐसी लगाई है कि ये जितनी आपको गायें नज़र आ रही हैं ये मेरा ख्याल आपको 500+ हैं और ये इन्होंने 1 घंटे में सबसे दूध ले लेना है। मैनू क्यों पूरियाँ पा रही हैं, और ना जी ये तो उन्होंने नंबर लगाया हुआ है, इनके ऊपर नंबरिंग भी हुई हुई है, हर गाय के कान में इन्होंने नंबरिंग टैग लगाया हुआ है। वाह जी वाह, और डर गई डर गई डर गई। आजा 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 आ आ आ आ आ। बायो सिक्योरिटी की जो सबसे अच्छी बात है मुझे इस फॉर्म में अभी तक नजर आई है, बायो सिक्योरिटी के लिए बहुत इन्होंने जो सी है वो इंतजाम किया हुआ और यहाँ पे वार्निंग भी लिख के लगाई हुई है कि जी कॉल्डर मेड फार्म एंड कैफे वार्निंग बायो सिक्योरिटी एरिया नॉन ऑथोराइज एंट्री नो अनऑथोराइज एंट्री, दैट्स वेरी गुड। जाओ जाओ गो बूम आ गो बूम, इनका जो एरिया जहाँ पे ये मिल्किंग करते हैं बेसिकली बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज्ड है, और एक तरफ से जाती हैं जी गायें, उन्हें वो एंटर करते हैं, ऊपर वो स्प्रिंकलिंग शावर टाइप चीज़ लगी हुई है ताकि गर्म मौसम है तो जानवरों को ज़्यादा कोई मतलब प्रॉब्लम ना हो, तो एक साइड से एंटर होते हैं, एक ही बंदा है इतने जानवरों को डील कर रहा है, एक दो बंदे एक्चुअली एक साइड पर डील कर रहा है, एक मिल्किंग से पहले उनको डील कर रहा है, एक मिल्किंग के बाद है, और बायो सिक्योरिटी का बहुत ज़बरदस्त ख्याल रखा हुआ है, नीट एंड क्लीन। और पता लगता है कि जी जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटीज़ हैं वो कितना क्यूरियस हैं क्वालिटी के मुतालिक, ये जो दूध शेल्फ तक आके पहुंचता है कोल्स की वूलवर्स की एल्डी की या किसी भी सुपरमार्केट की शेल्फ तक जो दूध आता है वो किन किन प्रोसीजर से आके गुजरता है, ये बहुत टाइम टेकिंग और एक हेल्थी वेल्थी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। दोस्तों बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो डेयरी फार्म का है
वो अगर आप ये सोच रहे हैं कि जनाब आप जस्ट $100,000 या $200,000 से ऑस्ट्रेलिया में आप स्टार्ट कर सकेंगे, तो वो फिर सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, क्योंकि जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो जो लाइसेंसेज हैं, हमें एक अथॉरिटी एक वेबसाइट पता लगी है ऑनलाइन, वो डेरीज ऑस्ट्रेलिया, उनकी वेबसाइट पे जाके अगर आप देखें जो जो रिक्वायरमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, तो जो एक नई बात इधर पता लगी है कि लेस देन 100 काउज तो आप भूल ही जाए ना कि आप कोई प्रॉफिट के बारे में सोच भी सकते हैं लेस देन 100 काउज में, वो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो 100 काउज का सेटअप है, वो एक काउ जो उनकी है, जो एक गाय हैं, वो पड़ती है जी $2,000 से $3,000, $2,000 से $3,000 के दरमियान। तो अब जो $2,000 से $3,000 के दरमियान गायें हैं, ये जस्ट गायें की वो प्राइस है जो अगर आप यंगर गायें लेते हो, बच्चा लेते हो, ठीक है, और जब वो दूध देने तक की एज तक पहुंचती है, तो उसके लवाजमात कुछ अलग हो जाते हैं। और अगर आपको एक वेट डॉक्टर चाहिए होता है, तो वेट डॉक्टर को जस्ट टू गेट हेयर, शी सेड, जो हमारी गाइड थी उसने बोला है कि वेट डॉक्टर को, वेट को सिर्फ यहाँ तक लाने के लिए फॉर्म तक उसकी जो फ़ी है वो $250 है पर विजिट की, जस्ट टू गेट हेयर। इसमें कुछ ट्रीटमेंट इंक्लूड नहीं है, इसमें कोई मेडिसिन, कोई इंजेक्शन इंक्लूड नहीं है। तो इसीलिए जनाब, और गवर्नमेंट ने प्राइसेस जो सी हैं, वो ये ऐसा वो हिसाब नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया में कि जी समझ नहीं आ रहा और हमने 5 रुपये 10 रुपये फी लीटर दूध के बढ़ा दिए हैं, नहीं, जो प्राइसेस चल रही हैं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़, दे आर वेरी 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 एक्टिव, और उन्होंने जो सा है प्राइस बढ़ने नहीं दी है दूध की 2017 से लेकर, तो मैं देख रहा हूँ 2017 से लेकर अब 2024 आ गया है। दूध जब मैं आया था तब पर लीटर जो सा है फ्रेश मिल्क वो था $1 का, और अब जो सा है वो $1.25 का है आई थिंक, तो जस्ट 25 सेंट का इजाफा हुआ है ऑस्ट्रेलियन। और यहाँ तक मतलब गवर्नमेंट एक्टिव है कि उन्हें सेंट्स में भी पैसे बढ़ाने नहीं देती है। कोई पाकिस्तान नहीं का जनाब कि कराची में जो उनसे फार्मर एसोसिएशन और लाहौर में गुजर एसोसिएशन बैठी है, विद नो ऑफेंस भाई हैं सारे मारे, वो एसोसिएशन बैठी है दूध वालों की, दूध फरोशों की, और इन्होंने जनाब पैसे बढ़ा दिए हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते आप। यहाँ पे थ्रू प्रॉपर चैनल है, और गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर यू कांट इवन थिंक अबाउट इट। और जो जो यहाँ पे डेयरी फार्म का बिजनेस है, अगर आप सोच रहे हो कि आप $100,000 से $200,000 से डेयरी फार्म का कोई बिजनेस स्टार्ट कर लोगे, तो अस्सलाम वालेकुम, सोचना भी नहीं है। और लॉट ऑफ हार्ड वर्क है, वो एक मिसाल बनी ना पंजाबी में, कहने जी डंगरा नाल डंगर बनना पैंदा, तो डंगरा नाल डंगर बनना पैना, तो ऑन टॉप ऑफ दैट के $1,00,000-$2,00,000 की तो कोई गल ही नहीं है जनाब, ये सोचना भी नहीं है इस बारे में। हाँ जी हाँ जी, जा रहे हैं मैं। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ये था विजिट हमारा जी कॉल्डर मीड जो फॉर्म है, और सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ।